एंजेल मैनुअल सोतो की डायरेक्टेड करी गई ब्लू बीटल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 18 अगस्त 2023 की आई गई ब्लू बीटल जो कि एक्शन साइंस फिक्शन सुपर हीरो एडवेंचर फैंटेसी के ऊपर बेस्ड है। ये डीसी की एक और सुपर हीरो मूवी है। जेम्स गन के सुपर हीरो यूनिवर्स की मूवी डीसी के दूसरे सुपर हीरो से कोई लेना देना नहीं है। डीसी वालों ने एक नए सुपर हीरो को एक मूवी फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया है जो कि डीसी यूनिवर्स के आगे आने वाली मूवी से कनेक्ट करेगा। बट ये मूवी देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी सी मार्वल यूनिवर्स की याद दिला रही थी, बिकॉज इसमें ऐसा लगा कि स्पाइडरमैन, एंटमैन, आयरन मैन को एक साथ आप लोग ब्लू बीटल में देख रहे हैं। एंटमैन जैसा सूट, आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी, स्पाइडरमैन जैसी टीनेज लाइफ, ये सब आपको मूवी में दिखाता है। सो मार्वल्स की याद तो आपको पूरी पूरी आएगी आपको ये मूवी देखते समय। इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है और एक एंड क्रेडिट सीन भी है। मिड क्रेडिट सीन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवी की स्टोरी की बात करी जाए तो पहले हाफ में मूवी आपको बहुत एंगेज करके रखेगी। मूवी में सुपर हीरो तो है लेकिन मूवी में ज्यादा फोकस सुपर हीरो की फैमिली में होता है। उस सुपर हीरो के लिए उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और फैमिली को उनका बेटा कितना इंपॉर्टेंट है। हर मिडिल क्लास फैमिली की जितनी प्रॉब्लम्स होती है इस मूवी में भी उतनी ही प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली को भी है, वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का एक्शन CGI VFX टॉप नॉच है। ये मूवी भी अदर स्टैंड अलोन सुपर हीरो की तरह ही है जिसमें वो यूनिवर्स के लिए रेडी करी जा रही है। इस मूवी को हर कोई देख सकता है, हर कोई छोटे से लेकर बड़ा तक। बट इस मूवी के एंड में एक किस सीन होता है, मुझे लगता है कि वो तो इतना तो चलता है। मूवी की बात करी जाए तो मूवी ओवरऑल बहुत सही है कि मैंने इसको बहुत इंजॉय करी है। एक बार आप भी इस मूवी को ट्राई जरूर देना देखने का। देखो ये मूवी बहुत सही लगेगी आपको भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी रिव्यूज चाहिए मूवीज, एनिमे, वेब सीरीज के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। तो के लिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में। तब तक के लिए बाय।